from Girja Devi and Gulzar to Bismillah Khan and Bollywood. His contributions in art, literature, cinema and music have won him numerous awards. His depth of knowledge and study of music are achievements to be marveled. His recent works include Hum Safar, a book which highlights 100 years of music in Hindi cinema, and his biography on the Nightingale of India, Lata Mangeshkar, which is titled Lata Surkatha. He also hosted the popular show Aave Khabare on national television, where he converses with the torchbearers of our society from various fields. Finally, he's also just a fascinating person and we're all in for a treat today. Without further ado, I invite my friend Vidhima to start the conversation with much accomplished Yatindra ji. आप खुद इस पीढ़ी के होकर हिंदी साहित्य और शास्त्रीय संगीत की ओर कैसे आकर्षित हुए? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? सबसे पहले तो मैं सीधे जवाब देने से पहले आप लोगों को धन्यवाद कर दूं कि उदयपुर कलम ने हमें यहाँ बुलाया, रिजन ब्लू साथी जी, प्रभाकर इंफॉर्मेशन, सबका धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये आधा सच है, क्योंकि अगर आप जो सारे बड़े इंग्लिश राइटर्स हैं, प्रभा कर मेरे दोस्त भी हैं, आप रविंद्र सिंह की बात करें तो आई टू हैड एन स्टोरी, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, चेतन की बात करें, सारे लोग अंग्रेजी में लिखने के बाद भी हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं, हिंदी सिनेमा के स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आज जो बिल्कुल एक नई हिंदी का एक जमाना चला है, बिल्कुल तमाम लोक भाषा से अलग, बिल्कुल सामान्य, जो कभी कभी उसको मजाक में क्लीशे वर्जन में इंग्लिश कहते हैं, वैसे हिंदी बोली जाती है। उस हिंदी में बहुत सारा देखने को मिला है। अगर आप गूगल सर्च करें, आप फेसबुक पे जुड़े हैं, तो बहुत सारे बेस्ट सेलर ऑथर हिंदी के वैसे ही हैं, जैसे हमारे पास अमीशिया चित्र बनाते हैं, जैसे एक दिव्य प्रकाश दुबे बॉम्बे में, उनकी किताबें बहुत बिकती हैं, सत्याव्यास है और प्रभात रंजन है, मैंने भी लिखना शुरू किया है करीब 10-15 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी किताबें पहले कभी शुरू हो जाती हैं और बाद में कई बार ये होता है कि मैं समय से नहीं देख पाता कि पब्लिशर की डिमांड रहती है। तो हिंदी ग्लोबल हुई है, हिंदी का तड़का थोड़ा गंदा है और हिंदी सिनेमा भी पूरी तरह से हिंदी का नहीं रहा और पूरी तरह से अंग्रेजी का नहीं हो पाया, तो कुल मिला करके वो बीच का कहीं एक मिक्स ब्लेंड है जिसमें हम मॉडर्निटी भी लाते हैं, कुछ अपना ट्रेडिशन भी फॉलो करते हैं। और अगर आप किसी लोकेल में बैठ के लिख रहे हैं, मान लीजिए कि राजस्थान का कोई लिख रहा है और वो कुर्जा की बात करे या वो लगा मंगनियार की बात करे या वो कालबेलिया की बात करे, तो बहुत बहुत ऐसे देखा जाता है कि इसने क्या तीर मार दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि हम अपनी जमीन से कट रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे यहाँ आपके यहाँ की गुलाबो सफेला जिनको इतना नाम हुआ है, अगर कोई राइटर बैठ करके किसी बड़े इंटेलेक्चुअल हॉल में या फाइव स्टार होटल में उनके आर्ट के बारे में डील करता है, तो हम ऐसे सुनते हैं जैसे कि नई बात जान रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है, हम अपने शहरों में भी रहकर अपने शहर के आबो हवा से कटे हुए लोग हैं। ये एक सामान्य बात है, ये सिर्फ अपर क्लास की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बात भी है कि वो ब्रांड शैली है, उसको अब हमने अपने पसंद के कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। हमें अगर कोई बढ़िया सिल्क का थान पसंद आता है तो हम टेलर के पास नहीं जाते ये देखने कि ये इसका शरारा, इसका गरारा ऐसे बनाओ, एक डिफरेंट, एक बिल्कुल निश्चित नाम का कपड़ा है और वो ग्लोबल देसी का है या वो क्या इंडिया का है या वो ब्लैकबेरी का है, हम उसमें जाके अपने को फिट करते हैं। तो जो आउटफिट है उसमें खुद की बॉडी को फिट करके देखते हैं और जिस नंबर और जिस नाम के कपड़े हमारे सही होते हैं हम वो पहनते हैं। भाषा भी ऐसे ही होगी, जिस भाषा को हम समझते हैं, जिस भाषा के साथ हम डील करते हैं, उस भाषा को हम ढूंढते हैं। वो आपको व्हाट्सएप पे मिल सकती है, आपको फेसबुक पे मिल सकती है, आपको ईमेल में मिल सकती है, आपकी चैटिंग में हो सकती है और आपके रोज डे टू डे लाइफ में हो सकती है। लेकिन इसी में अगर कोई वैसी हिंदी लिख रहा है जैसी हिंदी हमने क्लास में पढ़ी है या जैसी हिंदी पढ़ करके फिल्में बनती हैं कि साहब ये तो शरद चंद्र के नॉवल पे हम जगह बना रहे हैं, तो हम उसके लिए 500 रुपए खर्च करके और जाते हैं मॉल में और इसमें सिनेमा देखकर निकलते, क्या सुंदर बोला माधुरी दीक्षित ने, क्या बढ़िया हिंदी बोली या क्या सुंदर गाने गाया। तो ये जो एक नए जमाने में अपनी लैंग्वेज, अपने पहनावे, अपने खान पान, अपनी जिंदगी को दूसरों की निगाह से देखने का चलन बढ़ा है,
उसमें मुझे लगता है कि हिंदी भी थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी बुक पे आते हुए हाल ही में प्रकाशित आपकी ये किताब लता सर गाथा लता मंगेशकर जी के जीवन की एक खूबसूरत व्याख्यान है। इस किताब में 6 वर्षों तक किए उनसे संवाद को आपने खूबसूरत श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी सांगीतिक एवं व्यक्तिगत यात्रा का एक अनूठा दस्तावेज है। उनसे आपकी मुलाकात और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें शुरुआत उदयपुर से ही हुई, महाराणा रणजीत सिंह मेवाल जी के समारोह में, जब उन्होंने वो एक मेवाल फाउंडेशन का फंक्शन करते हैं, मेरे पिताजी को श्री यतिंद्र मिश्रा जी को बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट देना था लता जी को, और उस समय कलाम साहब प्रेसिडेंट नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे। ये बात है सर 2000-2001 की, उस समय ये करीब 16 साल पुराना संबंध है हमारा। और फिर दीदी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बड़े प्यार से सम्मान दिया और मनाने जाना शुरू हुआ बॉम्बे। मैं कहता हूँ कि मैं बस ब्लेस्ड हूँ कि लता मंगेशकर ने मुझे पिक किया कि आप मेरे लिए लिखो, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी आदमी म्यूजिक से जुड़ा है, जो सिनेमा से जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माने लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, रफी, इन सबके प्रेम में पड़ेगा जरूर। तो ये तो कहना मतलब एक गुस्ताखी होगी कि मैं कुछ करने की हैसियत रखता हूँ, लेकिन ये मैं जरूर इसको अपने ईश्वर का धन्यवाद करूँगा कि कुछ ऐसा समय बना कि लता जी को लगा कि नहीं, ये लड़का बात कर सकता है, ऐसे बात करनी चाहिए। और जब मैंने शुरू किया तो वो उस तरह से बहुत तैयार भी नहीं थी, उनको लगता था कि ठीक है महाराणा क्या मिला है और बड़े आदमी का लड़का है और शौक है और मैं लता मंगेशकर भी इंटरव्यू करना चाहता है। तब तक मेरी किताबें आ चुकी थी गिरजा देवी पर, 2000 साहब की किताब, तो मैंने किया दीदी को, तो मैंने कहा आप क्यों लिखना चाहते हैं, मैंने कहा मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ कि मैं, और मैं शुरू से लता जी का बहुत प्रशंसा करा कि मैं कहानी आपकी बहुत सुनता हूँ, तो सभी सुनते हैं, मेरे परिवार भी ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप मेरी किसी बुक का ट्रांसलेशन कर दीजिए, हिंदी में कर दीजिए, इंग्लिश में, उस समय नसीम मनी कबीर की आई थी किताब। तो मैंने कहा दीदी ये काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ और मैं दूसरे का काम क्यों करूँ, तो काम हो चुका है वो तो पब्लिशर कमीशन करेगा और कोई काम कर देगा, लेकिन मैं अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको प्रोसेस में पढ़ना होगा। फिर मैं जाता रहा, मिलता रहा, बहुत प्यार से मिलती, लेकिन किताब लिखने की कोई बात नहीं करो ऐसा। और मैंने बहुत सारा कलेक्शन दीदी को कर रखा था, तो वो 80 साल की हो रही थी, तो उस समय ये 2010 की बात, तो उस समय क्या हुआ कि HMV ने 80 सॉन्ग्स का एक कंपाइलेशन बनाया जो रिलीज कर दिया, लता जी का बेस्ट फेवरेट सॉन्ग, उसमें एक गाना था, अब वो यूट्यूब पर मिलता है, उस जमाने में नहीं था, फिल्म आई थी गर्म कोट, उसमें पंडित अमरनाथ होते थे, वो भी राजस्थान में, उनका म्यूजिक, तो उसमें गाना था जोगिया से प्रीत किए दुख को, वो गाना HMV के स्टोर में नहीं था, लता जी के पास भी नहीं था, तो बोलते थे दीदी का फोन आया कि दीदी बात करना चाहती, क्योंकि मैं उसमें से लगातार बात करता रहा, कुछ आपसे बात करना है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, एक गाना मिसिंग है HMV के पास, तो मैंने कहा बताइए हम लोग घूमते हैं, बोले तुम कहाँ ढूंढोगे, तुम्हारे तो बाप भी नहीं पैदा हुए होंगे जब वो गाना मैंने गाया था, मैंने कहा ठीक है लेकिन बताएं आप मुझे, तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म थी गर्मकोट, जैसे उन्होंने गर्मकोट कहा तो मैंने एनसाइक्लोपीडिया की तरह सारे गाने बता दिए, सब टाइटल बता दिए, सब बता दिया, बोली तुम्हें कैसे पता, मैंने कहा रोज ही सुनता हूँ, हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं है हिंदुस्तान में, मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत कम पास है, सब आपके बड़े सब बहुत तारीख और नजर ऐसे हैं जो आपको बहुत मानते हैं, मैंने एक प्राइवेट कलेक्टर से नागपुर में गाना खरीदा था, उसने अपने LP से 78 RPM के LP से रिकॉर्ड करके मुझे दिया था, तो मैं ये भेज देता हूँ आपको, मैंने उसका एक MP3 वर्जन और एक उसका वेव फॉर्मेट बनाया और कुरियर किया। विद इन 3 डेज फोन आया कि दीदी फोन पर है, बात करना चाहती है, फोन पर आया, बोले आप कल से किताब शुरू कर दीजिए। लता जी के साथ अपनी किताब के लिए वार्तालाप शुरू करने से पहले आपने 1 साल का अवकाश लिया और उनके 1500 से 2000 गानों को सुना, उनमें से कितने ही प्रकाशित भी नहीं थे, उनके सभी गानों में से आपके मुताबिक वो कौन सा गाना है जो उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से गाया है और क्यों? ये बड़ा खतरनाक है, ये वैसे ये कि किसी आप किसी आपकी गर्लफ्रेंड से पूछे कि उनका वो कहेंगी तुम कल ज्यादा सुंदर लग रही थी, आज कम लग रही, पिटाई हो जाएगी आपकी। असल में क्या है कि जब मैंने
किताब इतनी शुरू की तो मुझे ये बहुत गुमान था कि मैं सब जानता हूँ लता जी के बारे में। फिर मैंने जब सब चीज़ें पता की और दीदी दिखा के बात शुरू करो तो मुझे लगा कि कितने गाने ऐसे हैं जो मुझे मालूम नहीं है। उस समय को 2000 गाने ऐसे थे जो मेरे पास नहीं थे। उन्होंने फिल्मों के लिए करीब 8,500 गाने हैं। मेरा फोकस फिल्मों में ही था तो मुझे लगा कि 5,000 गाने तो है मेरे पास, 2,000 उन 2,000 गानों को कलेक्ट करने के लिए मुझे 1.5 साल का समय लगा। बातचीत का प्रोसेस शुरू हो गया था। मैंने उनको बता दिया था कि कुछ चीज़ें मैं धीमे धीमे आगे करूँगा क्योंकि मैं उसको लर्न कर रहा हूँ। तो काम करते रहो। उसमें फिर दिल्ली में जामा मस्जिद के बारे शान म्यूजिक है, नागपुर में कलेक्टर है, एक इंदौर में है, एक पटना में है, कुछ और बिहार में बहुत सारे लोगों के पास मटीरियल पड़ा है, कुछ रजवाड़ों के घर में पुराने स्कूल्स पड़े। तो ऐसे करके मैंने म्यूजिक कलेक्ट किया। बहुत सारे कबाड़ियों के पास वो LP रिकॉर्ड जो कोई पूछता नहीं है वो सब मैंने ढूंढ ढूंढ के निकालने शुरू किए, लेने शुरू किए। मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिए थे कि पागल हो गया है और ये कहीं का नहीं रहेगा। तो मैंने कहा अब एक काम शुरू किया है तो उसको करते ठीक से। और फिर वहाँ भेंडी बाजार, चोर बाजार, कलकत्ता, बॉम्बे, पूरा हिंदुस्तान मैंने नाम डाला। तो गाने मिले तो गाने सुने। उसमें तो मुझे मेरे लिए एक बड़ा खेल हो गया कि जो गाने मेरे पास होते थे मैं जाके यूट्यूब पे देखता था यूट्यूब में है कि नहीं है, तो पता चला नहीं होते थे। तो मैं बहुत यूरोपियन फॉर्म में ही अरे मैंने अचीव किया है और यहाँ नहीं है। ऐसे करके जब गाने आ गए तो उसका फायदा ये हुआ कि जब लता जी अपने रेफरेंसेस बताती थी तो वो कनेक्ट बनता था। उन्होंने कहा अर्जुन लखनवी का गाना ये, तो अब अर्जुन लखनवी का गाना आपके पास मालूम हो और आपके फिंगर टिप पे हो तब तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो ये करना पड़ा। और उसका मजेदार पहलू ये रहा कि मैं सीखता गया, मैं थोड़ा और समृद्ध होता गया। तो ये बात थी। रही बात बहुत पसंद के गाने की, बहुत अच्छे लगने की, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये गाना चुन के गाऊं, लेकिन कुछ गाने मुझे जैसे हमेशा के लिए बहुत पसंद आते हैं और वो कुछ कम प्रचलित गाने। सारे प्रचलित गाने आपको पता है, रसिक बलमा और पिया तोसे और दुल्बी सनाख लगी और ठाड़े रही होगी, तो मेरे ख्याल से हर भारतीय सुनता है। कुछ गाने मैं जरूर कहूँगा कि जो उनकी एल्बम में गजब ढंग से मौजूद है। एक फिल्म है परख, सलील चौधरी का म्यूजिक है, उसका गाना है मिला है किसी का झुमका, आप सुनिएगा वो चुप हो जाता है, बहुत सुंदर गाना है। एसडी बर्मन का एक गाना है तेरे मेरे सपने फिल्म का, जैसे राधा ने माला जपी शान मैंने ओढ़ी जो दरिया तेरे नाम की, बहुत सुंदर गाना है। एक खयाम का गाना है शंकर हुसैन का, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, कौन याद करता है सीनियाँ कर धड़कती हैं, बहुत सब्ड्यूड ढंग से म्यूजिक है। और अगर आप सुने उस गाने को तो आपको लगेगा कि क्या एक्सपेरिमेंटल गाना बन गया। ऐसे कई होंगे 100 गाने। लता जी और गुलजार साहब के अलावा भी आपने गिरजा देवी, सोनल मान सिंह जैसी संगीत की दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के जीवन पर अध्ययन किया है और उनके जीवन पर लिखा भी है। इनमें से कौन आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और ऐसी कोई एक खूबी बताइए जो इन सभी में आपको सामान्य लगती हो? पहले तो मैं बहुत ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक में इन्वॉल्व आदमी हूँ। मैं गाता नहीं हूँ लेकिन समझता हूँ। मुझे लगता है कि यंग को लिखना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट क्रिटिसिज्म नहीं है। आर्ट क्रिटिसिज्म में म्यूजिक सिनेमा और तमाम अदर आर्ट विजुअल आर्ट का क्रिटिसिज्म नहीं है, तारीफ है। फेसबुक पे जा करके वाह वाह करने का मामला है और अपनी सेल्फी पोस्ट करने का मामला है, लिखने का नहीं है। अगर आप किसी को किताब दें और ये उम्मीद करें कि वो कुछ चार काम की बात बताएगा, उसमें चार कमियां भी ढूंढ के दिखाएगा तो नहीं बताने वाला है, वो बस तारीफ वारीफ करके फोटो वोटो खींच के निकल जाएगा, आपको बहुत अच्छा गुडी गुडी फील करा के। ये मुझे बहुत दिनों से लगता था, इस वजह से मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि ये लैंड जो है बहुत ही खाली होती जा रही है, लोग लिखते नहीं। आप बाहर जाए, आप फ्रेंच उसमें रेवोल्यूशन में देखें, आप अमेरिकन लैटिन अमेरिकन उसमें लिटरेचर में देखें, आप अंग्रेजी साहित्य में देखें, तो तमाम सारे क्रिटिक हैं, वहाँ क्रिटिक बनाया जाता है। हाउ टू लुक एट द आर्ट, उसको लेकर के सीरीज चलती है कि कैसे देखें, एक सिनेमा को देखने का ढंग क्या, वो आर्ट एप्रिसिएशन नहीं है। मैंने इस दिमाग से बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे कि एक फिल्म देखें तो कैसे देखें, तो मैंने उमराव जान, पाकीज़ा, अनारकली, मुगले आज़म ये सब फिल्मों को एनालाइज किया। वो पूरी किताब है पहले ने पब्लिश की थी, उसमें बहुत सारे बड़े हुए लेक्चर हुए कि आप सिर्फ पाकीज़ा देख के निकल आएंगे हॉल से या डीवीडी से हट गए, या आपने जाने जुड़े और देखे, आपने क्या देखा, क्या दिखाना चाहता था,
तो वो करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, तो इस बारे में मैंने शास्त्रीय संगीत भी लिखा। रही बात जो आपने पूछा कि क्या कॉमन है, मुझे लगता है सबसे पहले अच्छा इंसान होगा। कुछ भी काम नहीं आता है अगर आप बदतमीज हैं, अगर आप में घमंड है, अगर आप किसी को छोटा करके देखते हैं, तो निश्चित जानिए कि बगल में जो खड़ा आदमी है, जो जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा। तो रहेगा आप होंगे अपने घर के बाड़ में, ये फीलिंग होती है। और अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो आपकी कला थोड़ी कम भी अच्छी है, तो आदमी उसके साथ बहुत ह्यूमन बिहेव करता है, आपको इनकरेज करता है, आपको कहता नहीं नहीं करते रहो, कभी तो अच्छा होगा। ये सब कुछ मानवीय परिस्थितियों पर निर्भर है। जैसे इंसान होंगे वैसे दोस्त होंगे, वैसे समाज होगा, वैसे आपका लिखना होगा। करते हुए यदि किसी समकालीन निर्देशक या गायक के बारे में के जीवन पर आपको 10 साल बाद लिखना हो तो वो कौन होंगे? मुझे लगता है अरिजीत, क्योंकि मैंने अभी अरिजीत सिंह को एक्सप्लोर किया साल डेढ़ साल में, तो मुझे बहुत वेरिएशन दिखा, बहुत सुंदर लगा गाना उसका। क्या उससे बेहतर बनाया है या हर नौसिखिए फिल्म सितारे को गायक? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट तक सभी गायक बन चुके हैं। देखिए ये सवाल दो अलग अलग सवाल है। दरअसल ये कहना जो सलमान खान और आलिया के संदर्भ में, ये फिर वही कमर्शियल मामला है कि आपने अमिताभ बच्चन का गाना सुना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ जब अपने एपिटोम पे थे करियर के, तो फिर अभी जी गा रहे हैं वही एक लावारिस फिल्म को बेचने का फॉर्मूला था। तो आज सलमान इज ए किंग, आलिया इज ए अपकमिंग स्टार, तो वो फिर मामला बनता है कि फिर आप उनको भुनाते हैं। कमर्शियल सेटअप में सब चीज निकाल ली जाती है, ये होटल है, मैम बैठी हुई है, अगर एक कोई कोना भी खाली होगा तो ये दिमाग सारे लोग लगाएंगे कि इसको कैसे यूज किया जाए, कि इसका भी कुछ इस्तेमाल हो जाए। तो कमर्शियल सेटअप का ये एक सबसे बड़ा मजेदार आस्पेक्ट है कि आप किसी, और उसमें कभी कभी बहुत बढ़िया टैलेंट दिख जाता है। शबाना आजम का गाना पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, उन्होंने एक दो फिल्मों में गाना गाया है, खयाम ने गवाया था उनसे, सुन लीजिए तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसे शबाना जी गाएंगे नहीं, फिल्म में ही लिखा दिया गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, आप यूट्यूब पे जाके टाइप करो। और वो फिल्म अंजुमन के लिए उन्होंने गाया है, अद्भुत गाया है, भूपेंद्र के साथ डुएट है। अगर बताया ना जाए किसी को तो आप पकड़ नहीं सकते हैं कि एक प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर नहीं गा रहे, तो ये भी होता है। जो आपने वो सवाल किया वो ज्यादा मजेदार है, टेक्नोलॉजी का। वो मैंने सवाल अगर जैसे किया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत सुंदर किया है आकर के, क्योंकि मल्टी टेक वो चैनल टेक्निक छोटे छोटे साउंड को भी आप अलग से प्रोपोगेट कर सकते हैं या उनको मिनिमलाइज कर सकते हैं। ये वहाँ नहीं था पहले नहीं था, पहले खामोश है जमाना, चुपचाप है सितारे। जब आपको गाना था आएगा आने वाला के लिए, बहुत दूर से आगे माइक तक आना पड़ता था और टोनल वॉइस करने के लिए वैसे ही लौटना पड़ता था। जब डुएट लव सॉन्ग होता था एक माइक लगा होता था ऐसे, और इधर से गायिका जाकर के हटती थी और उतने ही बेस से इस तरफ से फुल सिंगर गाता था। आप जान के हंसेंगी कि जब गेसबर्ग ने फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कैसे कैसे मुंह गए, तो जो बाइयाँ थी गाती थी तो वो जैसे ऐसे गाती थी, हाथ फैला के ये करते गा रही हैं, और आगे रहता था वो बहुत नाजुक होता था, तो अक्सर हाथ करने में वो माइक टूटता था, उसके सारे वो जो वो होते थे अपने एडजस्टमेंट्स वो सब डिस्टर्ब होते थे। तो दो लोग पीछे हाथ पकड़े खड़े रहते थे, एक इधर से पकड़ता था और एक इधर से पकड़ता था। अब आप सोच रहे हमें गाना गाना है और हम ऐसे गा रहे हैं क्योंकि हमारा हाथ इधर इधर, सारा सेटअप खराब हो जाएगा, सामने वो रिकॉर्ड होना है। तो वो बेचारे बड़ी प्रताड़ना में गाती थी, ऐसे करके गा रही इधर देख रही है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है हाथ का। तो ये सब पहले मुश्किल था, आज आप कुछ भी करो, आज तो हम लोग आप फोटो खींचते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। अब आता है इसमें स्लिम कर लो फेस, तो मैं अपनी बहन को रोज चिढ़ाता हूँ कि मेरी बॉडी को पतला करो, मेरा चेहरा पतला करो। अब उसमें आप दुनिया की कंट्रास्ट डालते हैं, कलर डालते हैं, दुनिया का नाटक करते हैं। मतलब अगर आप अपनी 100 फोटो निकालें, मैं अपनी 100 फोटो निकालूं और उसमें से 90 पे एक्सरसाइज की जाए, तो 2 फोटो तो किसी हीरो की तरह निकल आएंगे। तो टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है आपके समय में। तो गाने में भी यही होता है कि आप कोई भी गा रहा है, आपकी आप बहुत सुरीली है, मशीन आपकी वॉइस को हस्की बना दी। उस जमाने में हस्की वॉइस के लिए फिर आशा जी जरूरी थी, मेलोडियस के लिए फिर लता जी जरूरी थी, नेजल टोन चाहिए था तो गीता जरूर। आज नेजल बना देंगे, उस सारे इक्विपमेंट में है कि नेजल है, कि हस्की है, ये मेलोडियस है, ये वो
कर लो। सर सुर की बारादरी के समय आपकी मुलाकात के बिस्मिल्लाह खान साहब से भी हुई? जी, सुर की बारादरी तो मैंने उनकी मृत्यु के बाद लिखी, वो किताब भी कमर्शियल प्रोजेक्ट था, मैं उनके लंबा इंटरव्यू किया था जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने प्रिंट किया था इंटरव्यू। फिर जब उनकी डेथ हो गई खान साहब की, तो सीबीएसई का एक वो नहीं सॉरी फिर जो और मैंने नोट सोच लिया था किताब पर रखा था, आपने सुर की बारादरी पढ़ी है? जी पढ़ी है सर। वो किताब छोटी सी किताब है, इससे हार्डली 80-90 पेजेस को, तो पेंगुइन ने मुझे कमीशन किया कि आपने बिस्मिल्लाह खान का इंटरव्यू कर रखा है तो आप किताब भी दे। मैंने कहा वो इंटरव्यू तो 30-40 पेज का है, लिख लीजिए उसको, ले लीजिए। बोले 40 पेज में किताब होती नहीं है, मिनिमम 150 पेजेस की किताब होती है। तो मैंने कहा तो मैं लिखता हूँ देखता हूँ। तो मेरे पास जितनी चीज़ें थी, जो चीज़ें मुझे मालूम थी और जो मैं म्यूजिक को उनके समझता था, उससे मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, वो हार्डली इज अ बुक ऑफ 89 और 87 समथिंग। तो पेंगुइन ने कहा कि हम इसको नहीं छाप सकते। मैंने कहा अच्छा, ये आपका सर दर्द है, इससे ज्यादा मेरे पास माल नहीं है, मैं क्यों बताऊं आपको? बोले नहीं, कुछ बढ़ा दीजिए कुछ कहानियां। मैंने कहा ये यतिंद्र मिश्रा नहीं करते, यतिंद्र मिश्रा के पास मटीरियल होगा तो करेंगे, कल को मैं कोई कहानी प्रोपगेट कर दूं और वो चल भी जाए, 20 साल बाद कोई पागल सिलफिरा फ्रांस से आए और वो कुछ रिसर्च करे और सारी किताब को खारिज कर दे, तो मेरी तो सारी क्रेडेंशियल डाउटफुल हो जाएगी, हिंदुस्तान ही नहीं चैलेंज कर पाएगा, विदेशी कर देगा फिर तुरंत। ये भी एक प्रॉब्लम है इस देश की। तो उन्होंने कहा हम क्या करें? मैंने कहा मत छापो। वो देश भर में टहले तो उनको कहीं कोई माल नहीं मिला, फिर वो मजबूर हुए मेरी किताब छापी। जब वो बुक आ गई, वो 2007 में आई थी, तो उसमें बहुत मजेदार एक वाक्य हुआ जिसने मुझे सीरियस अप्रोच में डाला काम के। तो सीबीएसई में ये हुआ कि सिलेबस में हाई स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा बिस्मिल्लाह, तो ये हुआ कि देश में किसी से लिखवाया जाए। तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार है दिल्ली के, जो उसके हेड हो गए थे, चेयर कर रहे थे उस सीट को, उन्होंने पूरे देश के विद्वानों से सबसे वो मांगा बिस्मिल्लाह खान पे। तो मैक्सिमम लोगों ने मेरे बारे में लिख के भेजा, मुझे नहीं मालूम ये बात, ये मुझे बाद में बताएगी कि यतिंद्र मिश्रा की किताब सुर की बारादरी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने किताब मंगा के पढ़ी, फिर उनका फोन आया कि इतने पोर्शन को कोर्स का मटेरियल बनाना चाहते हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड, आप इसकी अनुमति देंगे? तो मैंने कहा दी, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा था। तो मैंने कहा जिसमें इस बोर्ड से पढ़ के लिखे उस बोर्ड में पढ़ाया जाओ, इट्स अ नॉन फॉर यू। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई चलो। तो उसमें एक क्वेश्चन पे रुका रहा, मैंने लिखा था कि रसूलन बाई बतूलन बाई के कोठे से होकर उनके घर का रास्ता जाता था, उनका कोठा वर्ड हटा दीजिए, कोठा वर्ड हाई स्कूल के हिसाब से ठीक नहीं होगा, हम इसको लॉजिक क्या देंगे जस्टिफिकेशन समझाएंगे। तो मैंने कहा देखिए, जब मैंने लिखा था तो मैंने ये तो लिखा नहीं था कि सोचा नहीं था कि कोर्स में पढ़ाएंगे आप लोग, अब कोठे का घर तो नहीं बना सकते रसूलन। उन्होंने कहा कोठे का रसूलन बतूलन का घर कर दें? मैंने कहा नहीं नहीं, घर और कोठे में अंतर है, और वो लिटरली उस स्कूल से भाग के कोठे के नीचे सीखते थे, वो लोग गाती थी जी, तो अपनी शहनाई से बजाते वो सुर निकालते थे, ऐसे सीखा था। तो बड़ा झकझक चली, तो कृष्ण कुमार जी का फोन आया कि इसको मान जाओ कैसे भी कर दो, क्योंकि इट्स वेरी गुड पीस और हमें यूज करना, मुझे भी ये था एंथुसियाज के छपना चाहिए। तो मैंने कहा सर घर ना करिए, तो लिख दीजिए कि उनका रियाज का रास्ता रसूलन बतूलन की गलियों से होकर जाता, अब गली में कोठा है, ससुराल की घर है, ऊपर सीधा जाए, अभी गली बना सो। तो फिर उसमें फिर वो एक ये अमेंडमेंट है उस पूरे आर्टिकल, फिर उसके बाद वो प्रिंट हुआ। तो वो किताब मैंने वैसे लिखी थी, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, और अभी उसका वो लेटेस्ट वर्जन इस फरवरी में आ रहा है। बहुत बहुत कर लिया आप, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सबके यहाँ पधारने का तथा गहन समाज में भागीदार बनने के लिए शुक्रगुजार हूँ। विशेषकर श्री यतिंद्र जी मिश्र का, जो न केवल एक महान साहित्यकार हैं पर एक उत्तम कवि, संपादक एवं सांस्कृतिक सूत्रधार भी हैं। श्री मिश्र साहब जैसी महान हस्ती का आज हमारे बीच होना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल्चर रेंडेवू आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती है। आज की इस सभा के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को कलम द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं आदरणीय श्री मिश्र से निवेदन करती हूँ कि आज के 3
सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों के विजेताओं का चयन करें और उन्हें सम्मानित करें। मुझे भी चाहिए।